आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में राजस्थान के भाजपा सांसदों की बैठक ली, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेता शरीक हुए। वहीं बैठक में पार्टी के एकजुट होने का संदेश भी दिया गया और जेपी नड्डा ने कई हिदायतें भी दी। नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को गांव, शहर और ढाणियों तक ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार, लाभार्थियों तक पहुंच सके। साथ ही कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर पार्टी के स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की प्रशिक्षण की तैयारी, जिससे वह लोगों की बेहतर सेवा कर सके। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया गया। नड्डा ने प्रदेश में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए सशक्त मंडल मजबूती पर विशेष जोर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि सांसद लोग 15-15 दिन का कार्यक्रम बनाकर मंडल और जिले वाइज बैठक करें, बूथ लेवल की कमेटी को प्रचार प्रसार के लिए सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। नड्डा ने सांसदों को खास तौर से कहा कि सांसद निधि का उपयोग सुनियोजित तरीके करें और पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल और मंडल लेवल कमेटी की खास ख्याल रखा जाए। साथ ही सशक्त मंडल अभियान चलाकर पन्ना प्रमुख की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया। प्रभारी मेरे साथ है सतीश पूनिया, उनसे बात करते हैं। सर, आज की बैठक में, सांसदों की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? सांसदों की बैठक कोई नया काम नहीं है, हम लोग एक नियमित अंतराल पर ये बैठकें आयोजित करते हैं और कोरोना के कालखंड के बाद, क्योंकि ये पहली बैठक थी और उसमें तमाम राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। भविष्य के लिए राजस्थान की सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पार्टी को और ज़्यादा मुखर कैसे बनाया जाए, इस पर पूरे तरीके से चर्चा हुई है। सेवाई संगठन के काम की समीक्षा हुई है। पार्टी पूरे तरीके से संतुष्ट है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव को लेकर भी और संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सांसदों की भूमिका और ज़्यादा मुखर हो, उस पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या संदेश दिया गया सभी सांसदों को, क्या वर्क दिया गया? वो पार्टी के मुखिया हैं और वो जो केंद्र से निर्देश देते हैं, चाहे कोरोना के कालखंड में सेवा के काम हो या पार्टी को मजबूत करने के लिए सशक्त मंडल का अभियान हो या राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और निश्चित रूप से आज उनकी उपस्थिति से पार्टी के इस वर्ग को, जो पार्टी का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करता है, उससे ताकत मिली। तमाम जो नेता हैं उनको एकजुट करने का एक संदेश इस बैठक से सीधा जाएगा कि वो भी नेता जो नाराज रहे, वो जो हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक एकजुट का संदेश भी रहेगा? देखिए, बैठक होती है और जिस वातावरण में हुई है वो सकारात्मक है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जनता में संदेश जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सांसदों की बैठक है और शायद वो ना पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहना है कि एकजुट करने की कोशिश की गई, जेपी नड्डा की ओर से संदेश दिया गया और पंचायती जो चुनाव है उनको लेके एक तैयारी की गई, जिस तरीके से सांसदों से फीडबैक लिया गया और आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, इसको देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV के लिए दिल्ली से।